अरवल जिले के बंसी प्रखंड के कोनी गांव में अचानक आग लगने से 6 घर जले। अनाज सहित घर के सारे सामान जल कर कर राख हो गए। सुरेश यादव का चेहरा हाथ मवेशी को बचाने के क्रम में बुरी तरह से झुलसा। हमारा पूरा प्रॉपर्टी जल गया, उसमें बकरी जल गया और चौकी था, खटिया था 3 को सर, और मछली था 2 मन, और मुर्गी था, और नेवारी था, और सरसों के बोझा था, सरसों दौरी में पीट के रखा हुआ था सर, वो भी 10 किलो जर गया। नेवारी था, दौरी के बोझा था, और पीटा हुआ सब मछली सब जर गया सर। कब आग लगी थी? शनिचर के दिन। कितने बजे? 1 बजे के लपेट में। तो फिर आग बुझी कैसे? सर बताया गया, आदमी आया था सर, बताया गया, फिर डीजल दो को चालू हुआ। इस झोपड़ी में बच्चा सोता हुआ था और एक में एक आग वहाँ से उठाई झोपड़ी में पकड़ ली, और सभी लोग अपना घर में सोए हुए थे, और आग लगने के कारण हमारे गांव में क्षति बहुत हुई है। ढेर लोग के गरीब थे, चावल गेहूँ सब रखा था घर में, जल गया है। 18 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, जिससे सुरेश यादव को इलाज कराने में हो रही है काफ़ी परेशानी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अग्निपीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आग कितनी तारीख को लगी थी? 16 तारीख को सर। और आज 29 तारीख है जी सर। इसके बीच में आप किन्हीं अफसर से मिले? हाँ मिले हैं सर। किन से मिले हैं? डीएम साहब के पास गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? डीएम साहब बोले कि हम 3 दिन का समय लेते हैं, 3 दिन के बाद आपको सरकारी प्रोत्साहन मिलेगी। तो कितना तारीख को आप गए थे डीएम साहब के यहाँ? डीएम साहब के पास गए हैं लगते हैं 20 तारीख को सर। मगर अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि आपको नहीं मिली? नहीं सर, अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। हम और हमारा समुदाय यह मांग करता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर बंसी के वीडियो श्री सौरभ कुमार जी के मोबाइल नंबर 94318-18082 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इन अग्निपीड़ित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध हो सके। मैं एसएम जफर इकबाल, ग्राम कोनी, प्रखंड बंसी, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।